Hi guys, how do you do? I hope you guys are quite safe and sound. Welcome back to my YouTube channel, Interactive Language Classes. Guys, आज का टॉपिक है 50 English Daily Uses Words and Phrases. इसमें आपको 50 ऐसे वर्ड्स बताए जाएंगे जिनका यूज आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, और अगर आप इनको अच्छे से लर्न करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी से अच्छी होती जाएगी। तो आज के वीडियो में हम आपको 50 ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनका आप रोजाना यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट जो डेली यूजेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस का होगा, उसमें आपको 100 और डेली यूजेस वर्ड्स बताए जाएंगे। तो गाइस, फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए और जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ उनके एक एक सेंटेंस भी बताऊंगा, ठीक है? वर्ड्स प्लस फ्रेजेस सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, तो आप लिखते हुए जाएं, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपको का क्या है, वर्ड्स भी आ जाएंगे, आपके वोकैबुलरी भी आपके पास आ जाएगी, प्लस आपके फ्रेजेस भी आ जाएंगे, सेंटेंसेस भी आ जाएंगे। वर्ड्स सीखने का फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप उसे नहीं लिखते हैं, तो वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश कीजिए। मैं बोर्ड में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक है? मैं सिर्फ वर्ड्स को लिख रहा हूँ, आप इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल इंटरैक्टिव लैंग्वेज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अवेट अवेट बुखार, बुखार उतरना, बुखार उतरना। his fever is abated, okay? his fever has abated, his fever has abated, उसका बुखार उतर गया है, ठीक है? my fever has abated, मेरा बुखार उतर गया है। तो इस तरीके से लिखिए आप। belch belch डकारना, बार बार डकार आ रहा है। I'm belching today a lot, आज मैं बहुत डकार ले रहा हूँ। He is belching, वो डकार ले रहा है। She is belching, वो डकार ले रही है, बहुत ज़्यादा खा चुकी है और अब डकार ले रही है, तो वो डकार ले रही है। She is belching, वो डकार ले रही है, ठीक है? तो beseech प्रार्थना करना, beseech प्रार्थना करना, दुआ करना, गुजारिश करना। I'm beseeching Allah, मैं अल्लाह से प्रार्थना कर रहा हूँ। You are beseeching to your God, तुम अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। तो प्रार्थना करना, मिन्नत करना, गुजारिश करना है ना, बहुत अच्छा वर्ड। काउंट बीट, काउंट बीट का मतलब होता है पूजना, तस्बीह, ओके? या इसको दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई, ओके? काउंट बीट, I am counting, count beating, I am count beating, is count beating, मैं प्रार्थना, मैं तस्बीह कर रहा हूँ, मैं पूज रहा हूँ। तो तस्बीह करना, बाकी बयान करना, इसको कहते हैं count bead, count bead means तस्बीह करना, बाकी करना, बाकी बयान करना। cram रट्टा मारना, रट्टा मारना, एग्जाम के वक्त देखे हो स्टूडेंट्स खूब रट्टा मारते हैं। द स्टूडेंट्स आर क्रैमिंग, ओके? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट्स आर क्रैमिंग ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशंस, स्टूडेंट अपने इम्तिहान के दौरान क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। तो क्रैम रट्टा मारना, एकदम झुक झुक के रखना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है? तो रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। लर्न लर्न सीखना, रट्टा मारना, जब आप पूरे कंटस बाय हार्ट, ओके, होल हार्टेडली आप रट्टा मार रहे किसी चीज को, एकदम जबानी याद कर रहे हो, तो ऐसे सूरत में कहते हैं लर्न। तो एक वर्ड हो गया क्रैम, रट्टा मारना, दूसरा वर्ड है लर्न, सीखना, रट्टा मारना, एकदम जो उसको बोल बोल के याद करना, ओके? जैसे आप कोई चीज याद कर रहे हो, हाँ, बैक बीटर, बैक बीटर, बैक बीटर, चुगल चुगल खोर, बैक बीटर चुगल खोर, तो इस तरीके के रट्टा मारने को, याद करने को क्या कहते हैं, लर्न। मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, याद करना, साधारण तरीके से आपने कोई चीज याद कर ली, अब उसको आप रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसे याद करने को क्या कहते हैं, मेमोराइज, मेमोराइज।
I'm memorizing my lesson. मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, मतलब उसे दिमाग में बैठा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ. ठीक. Make angry, गुस्सा दिलाना. Okay? He is making me angry. वो मुझे गुस्सा दिला रहा है. Okay? तो गुस्सा दिलाना, make plus angry, गुस्सा दिलाना. He is making me angry. उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है. He has made me angry. उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है. Get plus annoyed, गुस्सा होना. Get plus annoyed, गुस्सा होना. देखो से कोई गुस्सा हो जाए तो उसको कहते हैं गुस्सा होना. Get plus annoyed. I'm getting annoyed because your this deal. मैं गुस्सा हो रहा हूँ तुम्हारे इस काम की वजह से. Disloyal, बेवफा, गद्दार. बेवफा, गद्दार. He is disloyal, वो बेवफा है. She is disloyal, वो बेवफा है. आपसे गद्दारी कर चुकी है. Brazen faced, बेशरम. He is brazen faced, बेशरम plus ढीठ. गलतियां करते जा रहा है लेकिन उसको शर्म नहीं आती, फिर भी गलतियां कर रहा है. झूठ बोले जा रहा है लेकिन उसको शर्म नहीं आती, झूठ बोले जा रहा है. तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ब्राजन फेस, बेशरम प्लस ढीठ. ओके. शेमलेस, शेमलेस का मतलब होता है बेशरम, इससे थोड़ा सा कम. ब्राजन फेस से थोड़ा सा कम. शेमलेस, यू आर अ शेमलेस पर्सन, तुम बेशरम आदमी हो. चीकी, चीकी का मतलब होता है ढीठ. ओके. ए ब्राजन फेस की तरह. ओके. तो क्या कहेंगे? यू आर अ चीकी फेलो, तुम एक बेशरम लड़के हो, बेशरम आदमी हो. बैकबाइटर, अगला वाला देखिए. बैकबाइटर, बैकबाइटर का मतलब चुगलखोर. अब बैकबाइटर कहते किसे हैं? पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले को कहते हैं बैकबाइटर. He is backbiter. He used to defame me. वो backbiter है, चुगलखोर है और मुझे बदनाम करते रहता है, मेरी बदनामी करते रहता है. ठीक. ओके. तो ऐसे आदमी को कहते हैं backbiter. Dangler, dangler मतलब कामचोर. He is dangler. He is wandering the whole day. ओके. वो कामचोर है और दिन भर आवारागर्दी करते रहता है, इधर उधर फिरते रहता है. ठीक. तो डैंगलर कामचोर. आप एग्जाम्पल को लिख लो. ठीक. इश्यूलेस, इश्यूलेस बे औलाद. बे औलाद, एक तो होता है बांझ और एक होता है बे औलाद. ओके. 50 साल 60 साल के हो गए लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं. इश्यू, उसके पास कोई इश्यू नहीं है. यानी औलाद होने से क्या होता है? इश्यू होता है. जिनके पास औलाद ही नहीं, उनके पास कोई मसला ही नहीं, इश्यू नहीं. तो इश्यूलेस, सलमान खान इज इश्यूलेस. सलमान खान बे औलाद हैं. पैम्पर्ड, लाडला. पैम्पर्ड, लाडला. ही इज पैम्पर्ड टू हिज पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप का लाडला है. कुछ मत कहो नहीं तो बिगाड़ देगा सारी चीज. टू हेजिटेट, हिचकिचाना. हिचकिचाना, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत यार, आओ. टू फील शाई, शर्माना. डोंट फील शाई लाइक अ गर्ल. अरे लड़की की तरह शर्माओ मत यार, कुछ करो, बोलो, स्पीक. टू अफ्रेड, डरना. डोंट अफ्रेड, डरो मत. टू बोस्ट, डिंग मारना. ओए क्यों डिंग मार रहा? व्हाई आर यू बोस्टिंग? तू डिंग क्यों मार रहा है? ठीक. तो डिंग मत मारो. टू एक्ट प्राइसी, टू एक्ट प्राइसी का मतलब इतराना. इतराना, ओए आपके पास एक कार है और आप इतरा रहे हो. ओके. डोंट ट्राई टू एक्ट प्राइसी, इतराओ मत. मेरे पास इससे भी अच्छी कार है. टू शो अप, बनना या दिखावा करना. डोंट ट्राई टू शो अप. अरे बनने की कोशिश मत कर. अरे तेरी हकीकत से मैं वाकिफ हूँ. प्रेमर, प्रेमर आशिक. प्रेमर आशिक, आजकल लोग आशिक लाइन भी नाम लेकर रख लेते हैं. प्रेमर, प्रेमर आशिक. ठीक है. He is prenner to me. वो मेरा आशिक है. Immodest, immodest का मतलब होता है बेहया, बेहया. ओके. बेहया. He is an immodest person. वो एक बेहया, बेशरम इंसान है.
डिसेंट, सभ्य इज वेरी डिसेंट, नोबल, लॉयल टाइप का आदमी जो होता है, नोबल टाइप का, उसे कहते हैं डिसेंट, सिविलाइज्ड, शहरी, पहाड़ी का, ऐसे आदमी को कहते हैं डिसेंट, ही इज डिसेंट। विवेसिटी, विवेसिटी जिंदा दिली, जिंदा दिली, ओके। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद वॉज something and he was doing something for Indian people and children because of vivacity। Dr. Abul Kalam, APJ Abdul Kalam Azad ने कुछ किया या कर रहे थे अपनी जिंदा दिली की वजह से इंडियन लोगों के लिए और इंडियन बच्चों के लिए। Twist, मोड़ना, मोड़ना, don't twist my arm, मेरा बाहु मत मोड़ो यार, ठीक है, don't twist my hand, मेरा हाथ मत मोड़ो, ठीक। तो आपने सीखा ट्विस्ट, ट्विस्ट मोड़ना, ट्विस्ट मोड़ना। सॉलिड पंच, जोर का मुक्का, जोर का मुक्का, ठीक है। आई विल बीट यू अ सॉलिड पंच, मैं तुम्हें जोर का मुक्का मारूंगा, ओके। हाँ, या आई विल फ्लैश यू अ सॉलिड पंच, मैं तुम पर एक जोर का मुक्का दे रखूंगा। मीन, मटर, मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना, मटर, ओके, हिंदुस्तानी मटर, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ओके। डोंट मटर, डोंट मटर, बड़बड़ाओ मत। मीन, कमीना, यू आर मीन, तुम कमीना हो, यू आर द मीनेस्ट, तुम सबसे ज्यादा कमीना हो। बुली, बुली, बुली का मतलब होता है धमकाना, डोंट बुली मी, मुझे धमकाओ मत। स्वीट स्माइल, मीठी मुस्कान, ही फ्लैशेस अ स्वीट स्माइल, सी फ्लैशेस अ स्वीट स्माइल, उसने एक मीठी मुस्कान दी और जान ले ली। चार्मिंग, चार्मिंग, मोहनी, चार्मिंग, मोहनी, ओके। इट इज अ चार्मिंग हॉर्स, ये बहुत खूबसूरत घोड़ा है, ठीक है, मोहनी या आकर्षक घोड़ा है, ठीक। इट्स अ चार्मिंग कुछ भी, ठीक है, इट्स अ चार्मिंग क्लास, ओके। इट्स अ चार्मिंग कुछ भी मोबाइल, इट्स अ चार्मिंग मोबाइल, ओके, ये बहुत खूबसूरत मोबाइल है, आकर्षक मोबाइल है। वेल्दी मालदार, वेल्दी मालदार, ओके, तो मालदार, ओके, ही इज अ वेल्दी पर्सन, ओके, वो एक मालदार आदमी है। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, निराश, हताश, ओके, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, मैं बिल्कुल निराश व हताश हूँ। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, रहम दिल या दयालु, ओके, ही इज अ काइंड हार्टेड फेलो, ही इज अ काइंड हार्टेड फेलो, वो एक रहम दिल आदमी है। चिकन हार्टेड, डरपोक, She is a chicken-hearted fellow at night. वो रात में बहुत ही डरपोक है, रात में वॉशरूम भी जाती है तो साथ लेके जाती है। Gentle temper, कोमल स्वभाव, कोमल स्वभाव, ओके, he has a gentle temper, उसके पास एक कोमल स्वभाव है, यानी उसका जो स्वभाव है, ठीक है, वो बहुत ही नरम है। Humble, humble का मतलब होता है humble, humble का मतलब नम्र, नम्र, ओके, नम्र, और उर्दू में कह कहोगे आप मुतवाज़ा, तो खाकसार, humble, he is a very humble person, वो बहुत खाकसार इंसान है, नम्र इंसान है, humbly, नम्रता से, नम्रता से, ओके, I would like to request you humbly, मैं आपसे नम्रता से, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। disguise का मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदलना, why are you disguising, okay, तुम क्यों भेष बदल रहे हो। no longer, अब और नहीं, अब और नहीं, I no longer, I cannot do that, okay, so no longer का मतलब होता है अब और नहीं, कोई सेंटेंस कहोगे उसके बाद ये कहोगे अब और नहीं, ठीक है। I cannot do, no longer I cannot do, अब और नहीं कर सकता। Sympathy, sympathy, सहानुभूति, 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 okay, my sympathy is with you, my sympathy is with you, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। Anxiety, anxiety, चिंता,
ओके तो चिंता एंजाइटी व्हाई डू यू हैव एन एंजाइटी, तुम्हारे पास चिंता का कारण क्यों है, तुम क्यों परेशान हो। डिसगस्टिंग घिनौना, ओके दिस इज डिसगस्टिंग डिड, ये बहुत घिनौना काम है। विस्पर, विस्पर कानाफूसी करना, व्हाई आर यू विस्परिंग, तुम कानाफूसी क्यों कर रहे हो। रिलायबल भरोसेमंद, भरोसेमंद He is a reliable doctor. वो एक भरोसेमंद डॉक्टर है। He is a reliable interpreter. वो एक भरोसेमंद इंटरप्रेटर है। Okay? तो कोई भी भरोसेमंद। Okay? He is a reliable teacher. वो एक भरोसेमंद टीचर है। Prevention, रोकथाम। Why this prevention? ये रोकथाम क्यों? Slap, थप्पड़। Okay? Slap, थप्पड़। So he is slapping a लोकल गुंड, वो एक गली के गुंडे को थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, he was slapping a local goon, वो एक गली के गुंडे को थप्पड़ मार रहा था। Fantastic, बहुत खूब। Fantastic, आपने कोई काम किया और कोई आपको कह रहा fantastic, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर और इसे आप कॉमेंट जरूर करो गाइज। अब्दुल मोहम्मद सर के साथ लगातार आप इंग्लिश क्लासेस लेते रहो। ठीक है, हमारा ये जो है इंटरेक्टिव लैंग्वेज क्लासेस ये इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोग काफ़ी सारे क्लासेस देते हैं, अरबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, उज्बेक, टर्किश, पर्शियन और उसके साथ साथ उर्दू, हिंदी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो गाइज हम लोग यूट्यूब पर हैं और अगर कोई ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9910867570 9643150984। थैंक यू गाइज़।